तो गाइस अभी अभी मेरा नानी ये बटन दबा रही है और फिर ये काउंटर पूरा साफ करने के बाद हम लोग दिखाएंगे कैसा हम लोग हमारा वेजिटेबल बिरयानी बनाएंगे। तो अभी गाइस नानी अभी बटन धो दी और फिर उसके बाद दिखाएंगे कैसा हम लोग ये बिरयानी बनाएंगे। का स्वागत है फ्रेंड्स, आज हम वेजिटेबल बिरयानी बना रहे हैं झटपट, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग शेयर भी कीजिए। तो आइए अब हम बनाते हैं वेजिटेबल बिरयानी, तो आप लोग भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो अभी स्टीफन बिरयानी के लिए मसाला मिक्स कर रहा है। तो स्टीफन मिक्स करो, 2 चम्मच दही, 2 चम्मच मिक्स मसाला है इसमें, धनिया गरम मसाला सब कुछ है। तो 2 चम्मच भर भर के, या वेरी गुड। अभी हल्दी, हाँ टर्मरिक पाउडर 1/2 चम्मच, ये 1/3 स्पून है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसके लिए, इतना ठीक है। हाँ ओके डालो, बस इनफ, इतना ही, वो चम्मच उसी में छोड़ दो। हाँ अभी ये भी 1/2 स्पून, क्योंकि मिर्ची तेज है, जो अपने हिसाब से बनाए जितना तेज खाना चाहते हैं। ओके अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दो। ओके अब ये मिक्स अच्छे तरीके से हो जाएगा, तो इसको थोड़ा देर, कम से कम हम एक 10 मिनट ऐसी तरह दही में भीगने देंगे मसाले को। अभी थोड़े से दूध में ना ज़ाफ़रान भी भिगा के रखेंगे, ताकि चाव बाद में दम लगाएंगे ये बिरयानी का, तो उसमें डालने के काम आएगा। हाँ ठीक है, बस इतना ठीक है। नहीं मामा इतना इनफ है, डाल दो अच्छा थोड़ा सा। ओके तो उसको भी हम थोड़ा भिगा के रखते हैं, ठीक है। ओके अब आप लोगों को बताती हूँ मैं कि मैं इसमें मसाले में और क्या क्या डालने वाली हूँ, तो आप देखिए उसे। तो अभी मैं वेजिटेबल में डाल रही हूँ पोटैटो, और ये फ्लावर था थोड़ा, फूल गोभी, और ये जुकीनी, और टमाटो, प्याज, अदरक, लहसुन, ये सब मैं भी प्रिपेयर करती हूँ। तब सबसे पहले प्याज काट लेंगे। अभी हम लहसुन को इसमें कूट लेते हैं। इसके लिए पहले 1 चम्मच नमक डाल देंगे, बाद में हम सब्जी में सब में नहीं डालेंगे, इसलिए इसमें नमक डाल रहे हैं ताकि लहसुन अच्छे से कूट जाए। तो ये लहसुन है, ठीक है। तो स्टीफन जल्दी जल्दी कूटेगा, अभी कूटो पापा, जल्दी लहसुन का पेस्ट बना दो, ठीक है। स्टीफन लहसुन को अच्छे से कूट रहा है, और उसकी आग जल रही है प्याज की वजह से, मगर वो कर रहा है, उसको इतना इच्छा है करने के लिए मेरे साथ में। तो बच्चों को अपने साथ में कभी कभी हेल्प के लिए लेना चाहिए, वो लोग भी सीखते हैं इससे, ठीक है। मैंने प्याज कट करके रेडी कर ली हूँ, पोटैटो भी कर ली हूँ, सब कुछ हो गया, स्टीफन ने कूट दिया है, बस इतना काफ़ी है, पेस्ट बन गया इसका। अब हम पकाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब स्टीफन तेल डाल रहा है। हाँ बस इनफ। ओके तेल गरम हो गया, अब इसमें प्याज में ब्राउन कर लेती हूँ।
अच्छा सुनहरा कलर होने तक इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद आधा प्याज इसमें से निकाल लेंगे ताकि हम ऊपर ब्रिस्ता की तरह ऊपर बिरयानी में डालेंगे, और बाकी प्याज में फिर मसाले डालेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। प्याज ब्राउन हो गया, मैंने अब इसमें मसाले डाल दिए जो हमने दही में मिला के रखे थे, वो मैंने इसमें डाल दी हूँ। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छी तरह से भूनेंगे। ये है अदरक लहसुन, जो लहसुन हमने नमक डाल के कूटे थे, तो अब दोबारा नमक नहीं डालेंगे, और अदरक को मैंने किस ली थी। अब इसमें मैंने पोटैटो डाल दिया, पोटैटो को मैंने थोड़ा सा रोस्टेड किया क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी बनाना है, इसलिए थोड़ा सा पकने के लिए पोटैटो को आलू को मैंने रोस्टेड कर दी हूँ। अब इसमें टमाटर भी डाल देती हूँ, और जो भी सब्जियाँ हैं, जो कीनी और कॉलीफ्लावर है मेरे पास, तो मैं उसको भी डाल देती हूँ। अब उसको मसाले के साथ भुनने देंगे, वो आँच कर दूँगी अभी, और अच्छी तरह मिक्स करके ढक्कन लगा दें, और ताकि सब्जियां अच्छे से पक जाएं। और चावल को एक साइड पकने के लिए भी रख देते हैं दम लगाने के लिए। चावल ऑलमोस्ट पक गया है, तो मैं ज़्यादा नहीं पकाना है चावल को, थोड़ा सा अनकुक रहना चाहिए ताकि हम दम लगाएंगे तो उस वक्त कुक हो जाएगा चावल, ठीक है। तो अब मैं चावल पसाती हूँ और दम लगाती हूँ। यहाँ पे रेडी है सब्जी, बन के रेडी है। तो गाइस अभी नानी बिरयानी का दम लगा रही है। अभी नानी चावल डाल रही है। तो गाइस अभी नानी ज़ैफ़रान और हरी धनिया डाल रही है। अभी दम में लग चुका है, और फिर दिखाएंगे जब ये बनेगा। तो गाइस अभी हम लोग खाना निकाल रहे मिक्स करके अब हम लोग खाएंगे, डालेंगे प्लेट। तो मैं परोस रही हूँ स्टीफन के लिए भी और मेरे लिए भी। तो आप लोगों को अच्छा हाँ। लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय। कैबेज मतलब कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर सॉरी कॉलीफ्लावर कैबेज बोल रही मैं। जल्दी जल्दी मेरा भी दिमाग काम नहीं करता, काम पे जाना है, क्या करे। तो ऐसी झटपट बिरयानी बन सकती है काम पे जाने के टाइम पर, कुछ नहीं कर सकते दूसरा, ठीक है ना पापा। ठीक है।